फट जाओ, निकलो यहाँ से। और ये आंसू वांसू बहाने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए कि तुमने खुद अपने लिए ये रास्ता चुना है, समझी? चलो निकलो। चलो निकलो यहाँ से, चलो चलो, मैं कहती हूँ निकलो यहाँ से। अब्बूजी, मुझे माफ कर दे अब्बूजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बल्कि गलती नहीं मुझसे गुनाह हो गया अब्बूजी, मैं आपके पाँव पड़ रही हूँ, आज के बाद कुछ भी नहीं करूँगी, प्लीज मुझे माफ कर दे अब्बूजी, कुछ भी नहीं होगा आज के बाद, मुझे माफ कर दे अब्बूजी, प्लीज अब्बूजी मुझे माफ कर दे, मैं आपके पाँव पकड़ रही हूँ अब्बूजी, मुझसे गलती हो गई, मुझे एक मौका दे दे प्लीज। रमशा, अरे इतनी जुर्रत, इतनी हिम्मत कि तुम इस घर में वापस आ गई, निकल जाओ यहां से, निकलो, मर गई तुम हमारे लिए। ये क्या कर रहे हो तुम? बिल्कुल सही कह रहा हूं भाभी, जो कुछ उसने किया है इसका नतीजा ये है कि यहीं पे खड़े खड़े इसकी जान लेनी चाहिए। ऐसा तो मत कहो। चाचू, आप बेशक मुझे जान से मारते, लेकिन मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊंगी। तुमने सुना नहीं नमचा, क्या कहा मैंने? निकल जाओ, निकल जाओ यहाँ से। चाचू प्लीज मेरी बात को। मत कहो मुझे अपना चाचू, मर चुका हूँ मैं तुम्हारे लिए। जानती हो, तुम्हारी वजह से तमाशा बना हमारा, हमारी इज्जत का। मैं नहीं चाहता इससे पहले कि मजीद तमाशा बने, रमशा यहाँ से चली जाओ, जाओ यहाँ से। चाचू, चाचू मेरा कोई और घर नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी? मैं सुना नहीं अब्बा ने क्या बोला है, चलो दफा यहाँ से। हाँ चलो निकलो यहाँ से, जो कुछ तुमने सहा है ना, जो तकलीफें बर्दाश्त की हैं, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है, तुम्हारा सब किया धरा है ये। ये बहुत ढीठ है, इसको इस तरह नहीं समझ आएगी। क्या मार के निकाल लो इसको, चल 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 के वहां से। और बात नहीं अब्बू जी, रुक जाओ। कहीं नहीं जाएगी ये, साजिद भाई आप क्या कह रहे हैं? ये यहाँ कैसे रह सकती है मेरी जवान बेटी की मौजूदगी में? ये लड़की अब इस घर में रखने के काबिल नहीं है। सलमा, तुम मोदी कौन हो मेरी बेटी को मेरे घर से निकालने वाली? भाभी हम इस लड़की को यहाँ क्यों रखेंगे? लड़की नहीं है ये, बेटी है मेरी, मेरी बेटी। इसे मंजूर था ना कि इस कबाब सारी दुनिया में रुसवा हो? ठीक है, लेकिन मुझे मंजूर नहीं कि मेरी बेटी मेरे घर से धक्के देकर निकाली जाए, समझी आप? महराज इसको देखे जाओ ना। Thank you.
किसको बताऊं दुख जो देखे है मैंने। हो रोग न जाने कितने झेले है मैंने, किसको बताऊं दुख जो देखे है मैंने। राहों में रुल के देखा, अशकों में धुल के देखा, ये मिला है मुझको सिला। धोखा मुझे यार से मिला है, धोखा मुझे यार से मिला। जज़ाकअल्लाह। अरे कहे बगैर भी अच्छी चीज ले आती हो तुम, जीती रहो। भाईजान, आपने अफनान से बात की? अफनान से बात नहीं कर सका मैं, बस ये काम खत्म करके ना मैं करता हूँ बात। मुझे ऐसा लगता है भाईजान कि अब इन दोनों को हमें शादी के बंधन में बांध देना चाहिए। हाँ तो तुम्हें ऐसा लगता है तो मुझे कोई एतराज नहीं, ठीक है। बस तो फिर अफनान आ जाए तो आप उससे पूछकर अगले महीने की तारीख रख लीजिए। एक महीने में तुम औरतों की तैयारी हो जाएगी? तैयारी कैसी भाईजान, दोनों बच्चे घर के ही तो हैं। तुम कह रही थे ना कि वो अरमान पूरा करना है। खैर मैं भी खुश जिसमें तुम खुश, चाय बहुत अच्छी बनी। ये लीजिए। तुम नहीं पी रही चाय? नहीं भाईजान, अभी खत्म की है चाय। ये बड़े बू ने अच्छा नहीं किया, मतलब पहले तो बड़ी बातें सुना रहे थे, बड़ा गुस्सा दिखा रहे थे, लेकिन जैसी बेटी सामने आई तो औलाद का प्यार जाग गया। चानी तुम बिल्कुल खामोश रहो, तुम्हारे अब्बू गए हैं ना बड़े अब्बू से बात करने के लिए, तो रमशा को घर में रखना है या नहीं इसका फैसला वो करेंगे। बेहतर है कि इस मामले से दूर रहो। मैं क्यों दूर रहूं? क्या सिर्फ बड़ों की बेइज्जती हुई है, उनकी बदनामी हुई है, मेरी नहीं हुई? बातें कर रहे हैं, पता नहीं आपको मुझे लोगों ने क्या क्या बातें सुनाई है। हाँ तो जो कह रहे ना जाके अपने बाप से कहो, मुझे मत कहो। वैसे भी उस लड़की को घर में रखने के हक में मैं भी नहीं। तो फिर किस बात की देर है, निकाले ना उसे। ये तुम्हारे अब्बू गए हैं ना बात करने के लिए, उन्हें आने तो दो, तभी पता चलेगा कि क्या फैसला होता है। अजन मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कहो। अजन मेरी बात का बुरा मत मनाइएगा, पर मुझे ऐसा लगता है जैसे आप बेटी की मोहब्बत में इस घर की बदनामी को भूल रहे हैं। इस बारे में मुझे कोई बात नहीं करनी। अजन शायद आपको अंदाजा नहीं है कि आप क्या कह रहे हैं। हम बहुत अच्छी तरह अंदाजा है कि मैं क्या कर रहा हूं और क्या कह रहा हूं, क्योंकि मैं रमशा का बाप हूं, चाचा नहीं हूं उसका। क्या नहीं भाजन? नहीं,
मुझे आपसे ये उम्मीद ना थी। अगर रमशा तुम्हारी बेटी होती तो तुम क्या करते अनवर? मैं भाईजान, अगर रमशा मेरी बेटी होती और वो मेरी इज्जत को यूं पामाल करती तो मैं उसे कत्ल कर देती। जान से मार देता मैं उसे। यही तो फर्क है, ला किसी को भी ये दिल ना दिखाए। सलमा जी, हाँ, तुमसे बात करनी थी मुझे। जी कहिए। ओ अनवर तो हमेशा सबके साथ बैठ के नाश्ता किया करता था, अब ये इस तरह से कमरे में नाश्ता कर रहा है। माफ कीजिएगा भाभी, अब घर का माहौल ऐसा नहीं रहा कि सब साथ बैठे। आपकी रमशा की वजह से हमें भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन आप लोगों ने अपनी बेटी के सिवा कभी किसी के बारे में नहीं सोचा, तो हम ही बेवकूफ हैं कि हमने इन दोनों बच्चियों में कभी कोई फर्क नहीं किया। अम्मी आप हट जाएं, चाय मैं बना देती हूँ। तुम्हें जहमत करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे हाथ पांव अभी सलामत है, मैं खुद चाय बना लूंगी। आप नाराज हैं मुझसे? नहीं तो, मैं तो बहुत खुश हूं। मेरी बेटी इतना बड़ा कारनामा सरंजाम देकर आई है, अरे गोल्ड मेडल लिया उसने, महल्ले वाले वाह वाह कर रहे हैं, मैं क्यों नाराज होने लगी? मैं तो बहुत खुश हूं। मैं जानती हूं मैंने आप सबको बहुत तकलीफ पहुंचाई है, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, प्लीज मुझे माफ कर। तुम्हारे शर्मिंदा होने से क्या फर्क पड़ता है? तुम जानती हो मैं और तुम्हारे अब्बू महल्ले वालों को वजाहतें दे देकर झूठ बोल बोल कर थक चुके हैं। अम्मी मैं आपसे वादा करती हूँ, आज के बाद आप और अब्बू जी जो कहेंगे, जैसा कहेंगे, मैं वो ही करूंगी। लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दे और एक मौका दे दे, प्लीज। अगर कोई एक बार किसी के एतमाद को ठेस पहुंचाए ना, तो दोबारा उस पर यकीन नहीं किया जाता। देख लिया ना आपने, गुस्सा गुस्सा करने से ये साजिद भाई को और भाभी को कोई फर्क नहीं पड़ता। पढ़ना होता ना तो कब का पढ़ चुका होता। आप बेलवजह अपना खून जला रहे हैं और वो इत्मीनान से बैठे। तो क्या करूं, क्या करूं? साजिद भाई तो मेरी बात सुन नहीं रहे। कम से कम तुम ही भाभी को कुछ समझा। कोई फायदा नहीं है भाभी को समझाने का। चलो कम से कम शुक्र है कि रमशा घर वापस आ गए, लोगों की जबानें बंद हो गई, वरना हर शख्स पूछ रहा था
कि रमशा अपनी खाला के घर कब तक रुकेगी? अपनी खाला के घर से कब आएगी? तुम्हें तो सिर्फ अपनी जान की पड़ी है कि तुम्हारी जान छूट गई बस। मुझे बाहर निकलना है, दुनियादारी निभानी है, दुनिया को फेस करना है मुझे। इनकी बातें मेरे अंदर तक चुभती हैं, अंदर तक। गज़ब खुदा का, अगर लड़की एक राह तक घर से बाहर रह ले तो कयामत आ जाती है। या न जाने वो कितनी रातें बाहर रह के गई है। और कैसे माँ बाप है, इनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। अच्छा आप छोड़े इन बातों को, आप खाना खा। मैं तो वॉर्न कर रहा हूँ सलमा, अपनी बेटी को समझा देना, मुझे एनी इस लड़की रमशा के अतिरिक्त नजर नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ ना तो उसे बुरा कोई नहीं होगा। आप बेफिक्र हो जाओ, मैंने आपके कहने से पहले ही एनी को अच्छी तरह से समझा दिया। अब आप परेशानी और खाना खा रहे। क्या खाना खाए, जो उस घर का माहौल है निवाला हलक से नीचे नहीं उतरता। खाना खाना। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा अफनान, घर का कोई भी शख्स मुझसे बात करने के लिए तैयार नहीं, मैं क्या करूं? आप प्लीज मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरे लिए आसानियां करें। जी ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। ताफ़ुस एनी। एनी क्या बाकी सबकी तरह तुम भी मुझसे नाराज हो? मैं मानती हूं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और कि तुम्हें यकीन नहीं है कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगी रमशा, मगर इससे पहले तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना होगा। तुम जैसी लड़कियां घर से भागने से पहले ये क्यों नहीं सोचती कि उनके भागने के बाद उनकी इस हरकत से, इस चीज का खमियाजा उनकी बहनों को, उनके घर की लड़कियों को भुगतना पड़ेगा? क्या हुआ रमशा, नजरें क्यों चुरा रही हो? तुम तो घर से भाग गई, मगर तुम्हारे गुनाह की सजा मैंने भुगती हूँ। मेरी हर चीज पर पाबंदी लग गई, आने पर, जाने पर, फोन पे बात करने पर, यहां तक कि कंबाइंड स्टडीज पर भी पाबंदी लग गई। तुम तो निकल गई घर से, तुमने तो कर ली अपनी ख्वाहिशात पूरी, मैं तो अपनी जरूरतों से भी महरूम हो गई। काश तुम इतनी खुदगर्ज ना होती। काश तुम अपनी बेलगाम ख्वाहिशात के पीछे ना भागती। काश तुम सारे रिश्ते ना छोड़ती। तुम्हारी वजह से कितनी माओं का अपनी बेटियों से, कितने भाइयों का अपनी बहनों से एतमाद उठ जाता। रोक न जाने कितने जेले हैं मैंने, किसको बताऊं दुख जो देखे हैं मैंने। यहाँ तक कि वो अपनी पढ़ाई से भी महरूम कर दी जाती है। रोग न जाने कितने झेले हैं मैंने, किसको बताऊं दुख जो देखे हैं मैंने। राहों में रुल के देखा, अशकों में धुल के देखा, ये मिला है मुझको सिला। धोखा मुझे यार से मिला है।
मेरी और अबान की मोहब्बत इतनी है कि किसी की नफरत हम दोनों को अलग नहीं कर सकती। याद रखना, तुम्हें इस घर से ऐसा जलील करके निकलवाऊंगी कि तुम मौत को भी पस होगी। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे निम्रा के बारे में सब कुछ बताइए। तेरी ज़बान जिसको भी ख्वाब में देखती है वो इस दुनिया से चल बसता है। वैसे एक बात है, तुमने मुझे मिस तो नहीं किया होगा, है ना? तुम्हें कैसे पता है बा? बस वैसे ही। लेकिन इस बार मैंने तुम्हें वाकई मिस किया। सीरियसली? नहीं नहीं, तुम मजाक कर रही हो या फिर तुम सच कह रही हो? सच कह रही हूँ। वाह, दिस इज सो अनएक्सपेक्टेड। इसका मतलब तुम्हें मेरी कदर हो गई है? थोड़ी सी, इतनी सी। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी इतनी सी थोड़ी सी जो कदर है ना, मेरे लिए बहुत ज्यादा है, इसलिए थैंक यू। प्लेजर इज ऑल माइन। चलो अब जल्दी जल्दी खाना खत्म करो, मुझे ड्रॉप भी करना है तुम्हें। कहाँ भाई? सारा के पास, बताया तो था। अरे इतने दिनों के बाद हम दोनों इकट्ठे हुए, तुम कहीं नहीं जा रही हो, तुम ऐसा टाइम स्पेंड कर रही हो, मुझे बहुत सी बातें करनी है तुमसे। नान वो मेरा वेट कर रही होगी। अरे करिए तो करने दो ना यार, आई डोंट केयर। उसको कॉल करो, उसको कहो तुम बिजी हो, तुम्हारी मीटिंग है। बल्कि झूठ क्यों बोलना है, उसको कहो तुम मेरे साथ हो बस। क्या हो गया आज तुम्हें? आज कुछ बहुत स्पेशल हुआ है। आज बहुत अरसे के बाद तुमने मुझे इस बात का एहसास दिलाया कि तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत है। सो आई फील ग्रेट, इसलिए मैं तुम्हारे साथ आज ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता हूं, और ज्यादा। बेशर्म लड़की, शर्म नहीं आती? अरे रेस्टोरेंट में मेरा हाथ पकड़ रही हो लड़की। बिल्कुल शर्म नहीं आ रही आज। मनाज, मनाज एक कप चाय लेकर आओ। अब्बू जी आपकी चाय। मनाज, जी आई। जी कब से आया हूँ मैं, तुम्हें होश है? वो मैं कमरे की सफाई कर रही थी। सफाई बाद में करना, चाय बना के लाओ मेरे लिए। अब मुझे, मैंने चाय बिल्कुल अभी अभी बनाई है। मेरे कमरे में लेकर आओ चाय मेरे लिए।
रशीद ने, ये मैं देख लेता हूँ, तुम उधर हेजेस को देखो, हाँ वहाँ दे दो पानी, जा उस तरफ, हाँ हाँ वहाँ देखो देखो, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मामू जान। अस्सलाम वालेकुम डैड। कहाँ से आ रहे बच्चों? डैड वो अलीजे को कुछ शॉपिंग करनी थी तो मॉल तक लेकर गया था। अच्छा अच्छा, अलीजे बेटा जी बाहर जाया करो ना, तो कोई चादर या बड़ा दुपट्टा ओढ़ के जाया करो, और कोई खुले लिबास में बाहर जाओ, इसे मुनासिब नहीं लगता। अच्छा मेरी जवान बेटी की मौजूदगी में ये लड़की अब इस घर में रखने के काबिल नहीं है। सलमा, तुम होने कौन हो मेरी बेटी को मेरे घर से निकालने वाली? भाभी हम इस लड़की को यहाँ क्यों रखेंगे? ये लड़की नहीं है, ये बेटी है मेरी, मेरी बेटी। इसे मंजूर था ना कि इसका बाप सारी दुनिया में रुसवा हो? ठीक है, लेकिन मुझे मंजूर नहीं कि मेरी बेटी मेरे घर से धक्के देके निकाली जाए। अबूजी आपकी चाय। महनाज जी, जी आई जी। कब से आया हूँ मैं, तुम्हें होश है? वो मैं कमरे की सफाई कर रही थी। सफाई बाद में करना, चाय बना के लाओ मेरे लिए। अबू जी मैंने चाय बिल्कुल अभी अभी बनाई है। मेरे कमरे में लेकर आओ चाय मेरे लिए। अबूजी मुझसे आपकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं हो रही। आपने मुझे घर में रख लिया लेकिन मुझे अपने दिल से निकाल दिया आपने। आप मुझे जब तक माफ नहीं करेंगे ना, मेरा दिल सुकून में नहीं आएगा। मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ा गुनाह हो गया। मैंने आपका सर झुका दिया, मैंने आपका मान तोड़ दिया, मैंने आप सबको शर्मिंदा कर दिया। मुझे तो आपके लिए फखर का बायस बनना चाहिए था, लेकिन मैं आपके लिए नदामत का बायस बन गई। मैं अच्छी बेटी नहीं हूँ, मुझे माफ कर दे अबू जी।
मैं दिल से माफी मांग रही हूँ, मुझे माफ कर दे प्लीज। अगर आप मुझे माफ नहीं करेंगे ना तो मैं मर जाऊंगी अब्बू जी, मुझे माफ कर दे। ये जो रिश्ते होते हैं ना बेटा, ये सर से सिले कान होते हैं। एक कान भी काट कर फेंको तो अपने ही शहर बदनुमा हो जाता है। माफ कर दिया मैंने तुम्हें। नहीं कि आपने मुझे माफ, आपने मुझे सिर्फ बचाया है, आपने मुझे उस रुसवाई से बचाया है जो मेरा मुकद्दर बन के मुझे जलील और बर्बाद कर देती थी। आपने मुझे माफ नहीं किया, मुझे माफ कर दे अब्बू जी, मुझे दिल से। उठो उठो शाबाश, बैठो। मुझे प्लीज, मुझे दिल से माफ कर, मुझे वाकई सुकून नहीं आ रहा। अगर आप मुझे माफ नहीं करेंगे ना मैं मर जाऊंगी, मुझे माफ कर, प्लीज मुझे माफ कर दे। मुझे एक और मौका दे, इसके बाद कभी कुछ नहीं करूंगी, दिल से माफ कर दे प्लीज। बचपन से जिद्दी हो तुम, आखिर मेरी बेटी हो ना। मैंने दिल से माफ कर दिया बेटा। मामा आप हमेशा मामू जान की हिमायत करती हैं। बेटा इसमें हिमायत की क्या बात है? अगर भाईजान तुम्हें किसी चीज से रोकते या टोकते हैं तो उसमें तुम्हारी बेहतरी है। मामा मैं अपनी बेहतरी बहुत अच्छे से जानती हूँ, उन्हें मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। आहिस्ता बोलो अलीजे, भाईजान ने अगर सुन लिया तो उन्हें दुख होगा। अच्छा है सुन ले। मामा शादी करने का मतलब हरगिज ये नहीं है कि मैं हर चीज पे कॉम्प्रोमाइज कर लूं। मेरा अपना भी कोई लाइफस्टाइल है, कोई जिंदगी है। ये कॉम्प्रोमाइज नहीं है, ये ताबेदारी है। और वैसे भी हर लड़की अपने ससुराल के मुताबिक ढलती है। अभी तो तुम शुक्र अदा करो कि तुम्हारी सास और नंदे नहीं है, वरना लड़कियां बात बात पे कॉम्प्रोमाइज कर रही होती है। रहने दे मामा, मामू जान कोई सास से कम नहीं है, वो सास और ससुर दोनों का किरदार अदा कर रहा है। अच्छा बस रिलैक्स। ये लो बेटा पानी। और बड़े बुकों कहें कि रमशाब यूनिवर्सिटी नहीं जाएगी। शानी, अभी इस बात का फैसला करने के लिए उसके माँ बाप मौजूद हैं। तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हाँ तो उनके बस में हो तो वो तो उसे सर पे बिठा ले इतनी बदनामी के बावजूद। अब जो भी करना है हमें खुद करना होगा। जरा बातें नहीं करो, चुपचाप खाना खाओ, अभी घर में बड़े मौजूद हैं। जब बड़ों से कुछ काम ना हो पाए ना तो फिर छोटों को ही करना पड़ता है।
तुमसे तो बात ही नहीं करनी चाहिए, तुम्हें तो तमीज ही नहीं है बड़ों से बात करने की। यानी अब तुम बड़ों की काबिलियत का अंदाजा लगाओगे, इतने बड़े हो गए हो तुम। बैठ जाओ, बैठ जाओ। एक बात सुन लो, खबरदार जो तुमने अब एक लफ्ज भी इस बारे में मुंह से निकाला होगा, समझे? मैं नहीं चाहती मेरा बच्चा बिला वजह लोगों की बदवाओं में शामिल हो जाए। किस जमाने की बातें करती हैं आप? भाभी, वो रशीदा की सास के स्वयं में चलेंगी आप मेरे साथ? हाँ मैं जाऊंगी, क्योंकि मैयत में नहीं जा सकी थी ना। कब चलोगी? बस ये थोड़ा सा काम है किचन का ही, समेट लूं तो फिर चलते हैं। हाँ बस मैं भी ये बस थोड़ी सी सब्जी है चढ़ा दूं फिर चल दूं। भाभी हुँ? अगर वहां कोई भी रमशा के बारे में पूछेगा तो आप क्या जवाब देंगी? सलमा, अगर तुम रमशा की वजह से मेरे साथ नहीं जाना चाहती ना, तो कोई मसला नहीं है, तुम अकेली चली जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तो बस वैसे ही पूछ लिया। और अगर आपको कोई मसला नहीं है तो भला मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तुम अभी तक यहाँ क्या कर रही हो? गई नहीं? भाभी का इंतजार कर रही हूँ, तैयार होने गई हैं वो। अच्छा बात सुनो, वो आज दुकान पे ना खिचड़ी बना के भेज देना, दो दिन हो गए मैदे में बहुत तकलीफ है। अच्छा ठीक है, मैं तो वैसे ही कह रही थी कि खाना घर से बना के भेजूं। अच्छा ये बताएं कि खिचड़ी के साथ कोई अचार चटनी भी भेजूंगी? नहीं, दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? मैं कह रहा हूँ मैदे में तकलीफ है और तुम कह रही हो खिचड़ी के साथ तुम भेजोगी चटनी और अचार? सादा खिचड़ी चाहिए बस। अच्छा ठीक है, चले अब्बू। हाँ एनी, 4 बजे मैं शानी को भेजूंगी, तुम उसी के साथ घर वापस आना। वहां ना अपनी सहेलियों के साथ बैठ के बातें मत करने लग जाना, पढ़ाई करना और सारे काम खत्म करके सीधी सीधी वापस आना, सारे काम वहीं निपटाना। बार बार तुम्हारी सहेलियों के घर नहीं जाने दूंगी तुम्हें। जी अम्मी। अबू चलें, देर हो रही है। ये तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? दुकान पे क्यों नहीं गए? बस जा ही रहा था अब्बा। जा नहीं रहे थे, जाओ चले जाओ, वो अरशद गोदाम में तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। और बात सुनो, 4 बजे बहन को लेने उसकी सहेली के घर जाना है तुमने। कोई और काम नहीं है तुम्हें? बस ये दोस्तों के घर ही फिरते रहना है। मैं पढ़ने जा रही हूँ, घूमने थोड़ी जा रही हूँ। अबू को इतनी बार बोला था कोचिंग सेंटर लगवा दे, लेकिन मेरी कोई सुनता ही नहीं है। अच्छा, ताकि कोचिंग के बहाने बाहर घूमती फिरती रहो। आ जाओ एनी, देर हो रही है, आ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ, दुकान पे चले जाओ। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। बाह, खुदा हाफिज। भाभी जल्दी आ जाए, देर हो रही है। आप लोग कहाँ जा रहे हो? वो रशीदा की सास का सोया में, वहां जाना है। चाय बना के दूं? अभी नहीं।